सर्वोच्च न्यायालयबाट नै विदेशीको ट्याग लागेपछि आहत बनेका सिक्किमेली नेपालीहरू न्यायका लागि अब गृहमन्त्रीको दैलो ढकढकाउन पुगेका छन्। आज आइतबार 7 बजे सिक्किमको एउटा संयुक्त टोलीले गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेट्ने भएको छ। अर्कोतिर जोइन्ट एक्सन कमिटीले डाकेको 8 फेब्रुअरीको दिनको बन्दलाई सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले पनि पूर्ण समर्थन जनाएको छ। यस संयुक्त टोलीमा जोइन्ट एक्सन कमिटी, सिक्किम भुटिया लेप्चा एपेक्स कमिटी, नागरिक समाज र भारतीय जनता पार्टी सामेल रहेको छ। टोलीमा विशेष गरेर जोइन्ट एक्सन कमिटीका अध्यक्ष शान्ता कुमार प्रधान, सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटीका कन्भेनर साथै जोइन्ट एक्सन कमिटीका उपाध्यक्ष छितेन टासी भोटिया, नागरिक समाजका महासचिव 1 पासङ शेर्पा र महासचिव 2 टेम्पो दोर्जे लेप्चा, सिक्किम राज्य भाजपाका नवनियुक्त अध्यक्ष डीआर थापा, उपाध्यक्ष अर्जुन राई, एमएलए डीटी लेप्चा र एनके सुब्बा सामेल रहेका छन्। जोइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव केशव सापकोटाले बीजेपीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा गृहमन्त्रीलाई भेट्न गइरहेको विषयबारे बोल्दै सिक्किमका नेपालीहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा जसले मुद्दालाई पार लगाउँछ त्यसैको माध्यमबाट अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोले पनि यस मुद्दालाई लिएर हाल दिल्ली पुगेका छन् भने त्यहाँ उनले केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। उल्लेखनीय छ, जोइन्ट एक्सन कमिटीले आगामी 8 फेब्रुअरीको दिन सिक्किम बन्दको घोषणा गरेको छ। जोइन्ट एक्सन कमिटीद्वारा डाकिएको यो बन्द पूर्ण रूपमा सफल हुने अनुमान लगाइँदैछ, किनकि सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले पनि यसलाई पूर्ण समर्थन जनाएको छ। चिन्ता में, लेकिन ऐसे आप लोग का जो दुकान पाट है वो सब तो चल रहा है, मतलब वो सब बंद है, दुकान पाट वगैरह बंद है, लेकिन जो गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ा उलझन है, मतलब जाम है, और ये जो प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है वो लोग तो इसलिए प्रोटेस्ट करने के कारण से थोड़ा रास्ता जाम है, लेकिन बाद बाकी गाड़ी वगैरह सब चल रहा है अभी। तो आप लोग क्या कुछ मतलब टेंशन में है कि गाड़ी चलने देगा कि नहीं? टेंशन तो इसी टेंशन में है कि अब ऊपर में जाके कहीं झमेला वमला हो जाए, वही टेंशन है एक तो। और ऐसे अब ये जो स्ट्राइक का जो रूमर जो फैल गया है उसका वजह से पैसेंजर थोड़ा आने जाने में असुविधा है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा टेंशन है। मतलब কোন দেশটা জানি কিছু দেখলাম না অ্যাকচুয়ালি, কালকে সন্ধ্যেবেলা শুনেছিলাম একটু যে বন্ধ হতে পারে, আমাদের ভোরবেলা 5:30-5টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু ওখানে লোকাল পুলিশ আর এতে জিজ্ঞেস করলাম যে ওরা বললো যে এখনও সেরকম কোনো খবর আসেনি। তো আজকে অ্যাজ ইউজুয়াল লেট করেই বেরালাম, কটা নাকি 10:15 বাস ধরেছি, তো অ্যাসাস সেরকম দেখলাম না, কিছু মিছিল টিছিল বেরিয়েছে কিন্তু কোনো ট্রাফিক বা কোনো অশান্তি সেরকম কিছু ফেস করি না। না আমার ইউজুয়ালি আজকে রিটার্ন ছিল ন্যাচারালি, মানে আমাদের সব ট্রেন রয়েছে চিন্তা করার ন্যাচারাল ফ্যাক্ট। তো সেইভাবে আমাদের গ্যাংটকে একজন বললো যে এরকম শুনেছি ভোরবেলার মধ্যে বেরিয়ে যেতে, অ্যাকচুয়ালি আমরা আসছি লাচুং থেকে, তো হেক্টিক জার্নি বুঝতেই পারছেন, মানে যতবারই বেরাই ভোরে উঠতে হয়, তা আবার আজকে ভোরে উঠতে হবে, তো একটু হেজিটেট করছিলাম আর কি। পুলিশ বললো যে না সেরকম কিছু হবে না, হলেও গাড়ি ঘোড়া আটকাবে না।